हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं और अब हम चालू करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है उसका मतलब क्या होता है, वो सब क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभी क्या करो, क्योंकि मैंने बनाना चालू ही कराया ना, और अपन कोशिश करेंगे हम लोग पूरी एससी वर्मा को कंप्लीट करें, सारे की सारा उसका थ्योरी, सारे के सारे उसके एग्जाम्पल्स और ऑब्जेक्टिव वन एक्सरसाइज पूरी की पूरी। इसलिए मेरा जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम लोगों को ये लेक्चर जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट्स क्या चाहिए वो भी बता दो। वैसे मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट से वो नहीं है, मुझे ज़्यादा वो है कि काम के हैं या नहीं है। अगर काम के नहीं है तो फिर मैं बंद कर दूंगा बनाना, और काम के तो कमेंट्स करते रहा करो नीचे। कमेंट से क्या होगा, मुझे पता पड़ता रहेगा कि तुम्हारे वाकई काम, क्योंकि मोटिवेशन चाहिए होता है। अब मेरे को तो फिजिक्स आती है तो मुझे तो वापस देखने में कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये मोटिवेशन बड़ा चाहिए कि तुम लोगों को ये लेक्चर अगर सही लग रहे हैं तो कमेंट्स में बताओ मुझको कि हाँ सर ये लेक्चर जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी कर सकते हो वैसा भी कर सकते हो, आइडियाज दे सकते हो मुझको। तो उससे क्या होगा ना कि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं कंटिन्यू कर दूंगा। नहीं तो मेरा क्या होता है कि मैं बीच बीच में बनाना छोड़ देता हूँ, तो जब भी तुमको ऐसा लगे कि मैं छोड़ रहा हूँ इसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेट कर देना कि सर बना दो लेक्चर्स, ठीक है ना। तो उससे मुझे मोटिवेशन हो जाएगा। अगर लैपटॉप छोटा दिख रहा है, वो सब कुछ भी दिख रहा है, क्वालिटी क्वालिटी क्योंकि क्वालिटी बढ़ाने में एक्चुअली वीडियो की लेंथ बढ़ती है, तो मैं ज़्यादा लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो अगर नेट स्पीड कम भी आ रही है तो देख पाओ। तो हम चालू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जरूरी क्यों और क्यों होता है, क्या मतलब होता है वो मैं समझाता हूँ। पहले जैसे हमने एडिशन किया था तो उसमें ये वाला तो सही था, लेकिन इस वेक्टर को हमने इसमें और इसमें ब्रेक कर दिया था ना, उससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाए थे। ऐसे ही क्या होगा, फिजिक्स में बहुत उल्टा सीधा वेक्टर्स आने वाले हैं। जब तक ऐसे वाले वेक्टर्स आ रहे हैं तब तक सही है, जब तक ऐसे वाले हैं तब तक भी सही है, लेकिन जब ऐसा वेक्टर आएगा टेढ़ा, या फिर ऐसा आएगा टेढ़ा, या फिर ऐसा आएगा टेढ़ा, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम दो वेक्टर्स के एडिशन में कन्वर्ट कर देंगे। एक्चुअली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इज अपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक्चुअली रिजोल्यूशन को तुम लिख सकते हो, रिजोल्यूशन इज इक्वल टू अपोजिट अपोजिट ऑफ एडिशन। कैसे, कि अगर मैं बोल रहा हूँ, सिंपल है बहुत ही, अगर मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर और ये वेक्टर बना के मिलके ये वेक्टर बना रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर एड होके सी बना रहा है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन रिजोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि मेरे को एक सी वेक्टर पता है ऑलरेडी, आई नो ए सी वेक्टर ऑलरेडी, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ए एंड बी। आई ऑलरेडी नो ए सी वेक्टर, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए और बी से जब ऐड करके हमको सी निकालना है उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। जब सी से हमको ए और बी निकालना है उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द कंडीशन बीइंग, कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके लिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी पहली बात, और ए और बी शुड बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों, परपेंडिकुलर इसलिए जिससे कि हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकें। अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे मान लो तुमको, अगर मैं टॉपिक का हेडिंग लिख देता हूँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जैसे मान लो तुमको है ना पांच छह वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया, दो वेक्टर ऐसे दे दिए, इनका एंगल पता है, मैग्नीट्यूड पता है, हर एक को ऐड करने को बोला, तो दिक्कत क्या होगी, इतना सारा एडिशन करने में बड़ी दिक्कत होगी ना। जैसे मान लो तीन तीन वैक्टर दे दिए, जैसे मान लो एक वैक्टर ये दे दिया 30 डिग्री पे 5 का, एक वैक्टर ये दे दिया, एक वैक्टर ये दे दिया, एक वैक्टर ऐसा दे दिया, तो ये जो चार वैक्टर से इनको ऐड करने में बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी, बिकॉज दो का एडिशन हमको लगाना आता है, हम और भी लगा सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि चार का वैक्टर एडिशन लगाना दिक्कत होगी। लेकिन अगर मैंने हर एक वैक्टर को कन्वर्ट कर दिया एक्स में और वाई में, एक्स में और वाई में, तो मैं एक्स को सबको एक साथ ऐड कर सकता हूँ, वाई को सबको एक साथ ऐड कर सकता हूँ, मैं एक्स वाले वेक्टर्स को सबको एक साथ ऐड कर सकता हूँ, वाई वाले सारे वेक्टर्स को एक साथ ऐड कर सकता हूँ। क्या मतलब है, अभी और समझाता हूँ मैं, हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और उस हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या बोल रही है, तो फिगर 2.8 है, फिगर 2.8 देख लेते हैं पहले हम, ये है फिगर 2.8, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बना रखा है, ऐसा कुछ बना रखा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज ओ, दिस इज ए, ओ ए, दिस इज ओ ए, इसके नीचे परपेंडिकुलर बना दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया, इस पॉइंट को सी बोल दिया, देन ही इज राइटिंग दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, कुछ तो यहाँ पे आई वेक्टर बना रखा है, कुछ तो यहाँ पे जे वेक्टर बना रखा है। अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है आगे, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं व्हाट ही इज सेइंग इन द डिस्क्रिप्शन। शोज ए वेक्टर ओ ए, इस वेक्टर को ए वेक्टर भी बोला है,
वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस एंड बीटा विद द वाई एक्सिस, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ए बी एंड ए सी, तो ए बी परपेंडिकुलर ए सी परपेंडिकुलर बना दी, द लेंथ ए ओ बी इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, ओ बी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन द एक्स एक्सिस, ओ ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना है, ओ बी, मतलब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसको हमने क्या बोल दिया, प्रोजेक्शन। ऐसे ही ओ सी, ओ सी मतलब ये चीज, इसका प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन द वाई एक्सिस, मतलब ये क्या है, प्रोजेक्शन है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी। अब पॉइंट क्या है कि अगर तुम इसको एक वेक्टर मान लेते हो, इसको एक वेक्टर मान लेते हो, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको तुम उठा के यहां भी रख सकते हो, ये वेक्टर सेम है, ये वाला वेक्टर सेम है, और ट्राइंगल लॉ से मुझे पता है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि रिजोल्यूशन एडिशन में हमने क्या किया था, यहाँ से हम यहाँ लेके आए थे, रिजोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं। एक वेक्टर को हम किस में तोड़ रहे हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के अंदर। क्यों तोड़ रहे हैं वो अपन और समझ लेंगे आगे, बट कैसे तोड़ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। दस वी हैव रिजोल्व द वेक्टर ए इंटू टू पार्ट्स, वन अलोंग ओ एक्स ऐसा, अनदर अलोंग ओ वाई ऐसा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्ट अलोंग ओ एक्स इज, इसके अलोंग जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। अब देखो ये ए था, अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूँ तो ये ए है, ये एंगल अल्फा है, तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी, ए कॉस अल्फा, ये लेंथ कितनी बन जाएगी, ए साइन अल्फा। तो यही बोल रहा है ए कॉस अल्फा, और ये बन जाएगा ए साइन अल्फा, या फिर इसको ए कॉस बीटा बोल दिया इन्होंने, क्योंकि इस एंगल को बीटा बोला था इन्होंने, तो इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये लेंथ को तुम ए कॉस बीटा भी बोल सकते हो, या फिर ए साइन अल्फा भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, कॉस बीटा बोल लो अभी के लिए। तो ये कितना है ए कॉस अल्फा, और ये कितना है ए कॉस बीटा, ना, क्योंकि ये एंगल कितना था, बीटा था, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी है, ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा भाई कोएग्जिस्ट करती है, तुमने देखा अल्फा के साथ जो कोएग्जिस्ट करेगा वो ए कॉस अल्फा होगा, बीटा के साथ जो कोएग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा, ए कॉस बीटा। ये बात समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहे हैं, अब अपन ने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड वन होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आई कैप लिखता हूँ, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे कैप लिखता हूँ, तो ये वेक्टर कितना हो गया, ये वाला जो वेक्टर है वो कितना हो गया, ये जो ओ बी वेक्टर है कितना हो गया, ओ बी वेक्टर हो गया मेरे पास ए कॉस अल्फा इंटू आई कैप, हुआ कि नहीं, ओ बी वेक्टर हो गया ए कॉस अल्फा इंटू आई कैप, और ओ सी वेक्टर कितना हो गया, ए कॉस बीटा इंटू जे कैप। बात समझ में आ रही है, ओ बी वेक्टर हो गया ए कॉस अल्फा इंटू आई कैप, ओ सी हो गया ए कॉस बीटा इंटू जे कैप। अब मेरे को पता है कि ये जो वेक्टर था ए वेक्टर, वो ओ बी प्लस ओ सी था, इसलिए जो ए वेक्टर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, दिस प्लस दिस। ए वेक्टर क्या था मेरे पास, ए वेक्टर था मेरे पास ओ बी प्लस ओ सी, इसको यहां लिख दो तो क्या बन जाएगा अपने पास, ओ बी कितना है मेरे पास, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा। बेसिकली क्या है, इतना हमको है ना समझ में नहीं आता एलजेब्रा ए बी सी डी में, समझ में नहीं आता। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ तुमको, तुम समझ लो। देखो मैं बताता हूँ एग्जांपल, ये चौक का यही दिक्कत है कि ये मिटता नहीं है ढंग से, फिर तो मैं डस्टर लेके आता हूँ एक अच्छा वाला, फिर अपन देखते हैं। चलो तो ये एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो मुझे एक वैक्टर दे रखा है जिसका 10 यूनिट्स मैग्नीट्यूड है, और जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस में, मेरे को इसको दो वैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग। तो मैं क्या बोल दूंगा, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, ये वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, 10 cos 30 ये लेंथ, और ये लेंथ कितनी होगी, 10 sin 30, 10 sin 30 बोल दो, या फिर 10 cos 60 बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। cos 60 क्यों, क्योंकि ये वाला बना दो, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इसके साथ में जो एग्जिस्ट करेगा ये 10 है, इसके साथ में जो एग्जिस्ट करेगा वो कितना हो जाएगा, 10 cos 60। समझ में आ गई बात, 10 cos 60। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस में और इस तरफ है, इसलिए इसको आई कैप लिख देंगे। तो अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो वैसे तो ए वेक्टर क्या था, ऐसा था, ये 60 30 डिग्री एंगल पे 10, बट इसी ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ये वेक्टर कितना है,
ये वेक्टर है 10 cos 30 का, और ये वेक्टर कितना है 10 cos 60 का। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 cos 30 i कैप प्लस 10 cos 60 j कैप। अगली बात समझ में, जो ये वेक्टर है 30 डिग्री का एंगल का, 10 का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर जिसको मैंने बोला है, ए वेक्टर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, 10 cos 30 i कैप प्लस 10 cos 60 j कैप, 10 cos 30 i कैप प्लस 10 cos 60 j कैप। कॉस 30 10 आई कैप में है, कॉस 60 जे कैप में है, 10 दोनों में आ रहा है। अगली बात समझ में, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ऐड करता, देखो ये कितना 10 cos 30, ये कितना 10 cos 60। 10 cos 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, मतलब ये क्या बन जाता है, 5√3 बन जाता है इस तरफ। इसको अगर मैं ऐड करता 10 cos 60, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, हाफ के 5 के साथ। तो ये अगर मैं 5 यहां लगाता और इन दोनों को ऐड करता, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता तो क्या आता मेरे पास, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 5 5 25 प्लस 3 इंटू 6 75 प्लस 5 5 25, मतलब अंडर रूट ऑफ 100, मतलब कि 10, तो 10 आता मेरे पास। और ये एंगल कितना बन जाता अगर मैं थीटा मानता इसको, तो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 5√3, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 5√3, मतलब 1 अपॉन √3, मतलब 30 डिग्री। तो बात समझ में, रिजोल्यूशन जो होता है वो एडिशन का एक तरह से अपोजिट होता है। हम रिजोल्व करते हैं तो हम एक वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ही हमारा रिजोल्यूशन का मतलब होता है। अपन ऐसे एग्जांपल्स कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एग्जांपल्स बहुत दे रखे हैं ऐसे, है ना, तो अपन कर ही लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बेसिकली इतना याद रखना है, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, कि अगर अपने पास एक वेक्टर ये दे रखा है ए वेक्टर, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो को एग्जिस्ट करेगा तो ये कितना बन जाएगा, ए कॉस अल्फा परपेंडिकुलर दिस वेक्टर, ए कॉस अल्फा इतना लेंथ, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना बन जाएगा, ए कॉस बीटा, और ए वेक्टर को अपन क्या लिख देंगे, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप लिख देंगे 2D के अंदर। इसको अपन बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सिंपल सा कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, अब आगे ये क्या बोल रहे हैं, कि ये वेक्टर तो एक्स वाई प्लेन में था, ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर एक्स वाई और जेड प्लेन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो वेक्टर है वो एक्स वाई और जेड प्लेन में हो। तो अगर ऐसा होगा तो आई कैप के साथ कॉस अल्फा लगा देंगे, जे कैप के साथ कॉस बीटा लगा देंगे, और के कैप के साथ गामा लगा देंगे, वेयर अल्फा बीटा गामा विद द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर ए विद द 3 एक्सिस रेस्पेक्टिवली। इसका मैं पूरा ना डेरिवेशन बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये अपनी 3 एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो एक वेक्टर है ऐसा निकला हुआ जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, वाई के साथ है बीटा और जेड के साथ है गामा। समझ में आ रही है बात? तो अपन क्या करेंगे, पहले 3D में, वैसे 3D काम भी नहीं आता, तो एक तरह से अभी इसको छोड़ भी सकते हो तुम लोग, अभी के लिए इतना याद रख लो, क्योंकि इमेजिन करना पड़ेगा। मैं डेरिवेशन बता सकता हूँ बट वो बहुत लेंदी पड़ेगा पूरा, इसलिए मैं बता नहीं रहा। अभी के लिए इतना याद रख लो, ए कॉस अल्फा आई कैप, ए कॉस बीटा जे कैप, ए कॉस गामा के कैप, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, एंगल्स मेड बाय द एंगल वेक्टर विद द 3 एक्सिस। आई जे के को यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, एक्स के साथ जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप बोलते हैं, वाई के साथ जे कैप होता है और जेड के साथ के कैप होता है। द मैग्नीट्यूड ए कॉस अल्फा इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अपन बात करें जो कंपोनेंट, ए कॉस बीटा को कंपोनेंट ऑन वाई बोल देंगे, ए कॉस गामा को कंपोनेंट ऑन द जेड बोल देंगे। इन जनरल द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए अलॉन्ग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट इज ए कॉस थीटा विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग द गिवन डायरेक्शन। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, और अगर ये लाइन है थीटा एंगल पे, तो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट आएगा ना, इसको कंपोनेंट बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, कंपोनेंट बोल लो या फिर प्रोजेक्शन बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ये कितना आएगा, ए कॉस एल्फा के ए कॉस थीटा के बराबर आता है। इतनी सी बात है, तो ऑब्वियस है ना भाई, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये ए है तो ये ए कॉस थीटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के कैप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखो वापस से एक एग्जांपल आया है, ए फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल अलोंग ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द वर्टिकल। अब 37 डिग्री याद है आपको, याद आ गया होगा ना, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है,
ये 37 डिग्री का एंगल है और जो फोर्स का वैल्यू है वो 10.5। आगे चलते हैं, 10.5 से आगे चलते हैं। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा वो निकालना बहुत सिंपल है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये लेंथ अपन को निकालनी है। तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ये जो एंगल है इसके साथ ये लेंथ को एग्जिस्ट कर रही है और ये हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्रायंगल का बिकॉज ये 90 डिग्री है। तो लेंथ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10.5 इंटू कॉस ऑफ 37। कॉस 37 क्यों, क्योंकि ये इसके साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। अब कॉस 37 क्या होता है उसको जानने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे वापस से, ये वाला ट्राइंगल 3, 4 और 5 का, और इसको हम लिख देंगे 37 डिग्री। ये सही है, बिल्कुल सही है, बिकॉज 37 के अपोजिट 3 है, 53 डिग्री के अपोजिट 4 है। और कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 होता है को एग्जिस्ट करने वाला, मतलब 4/5। कॉस कॉस का मतलब को एग्जिस्ट करना, मतलब 4/5। यहाँ पे वैल्यू थी ना कॉस 37 के, तो 4/5 आ गया। तो क्या बन जाएगा, 10.5 × 4/5। अब जो भी आंसर है 10.5 × 4/5, 8.40 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब देखो, जो मैं समझा रहा था आपको रिजोल्यूशन का फायदा क्या हुआ वो समझो आप, कि रिजोल्यूशन का फायदा क्या हुआ। मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ रिजोल्यूशन का फायदा क्या। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने दो वैक्टर्स बनाए, एक 30 डिग्री पे है, एक यहां से 30 डिग्री पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है। इसको बोलते हैं वेक्टर ए, इसको बोलते हैं वेक्टर बी। तो मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 10 cos 30 प्लस 10 cos 60। ये आई कैप है, ये जे कैप है। और बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 ये 60 डिग्री है ना, तो 10 cos 60 आई क्या प्लस 10 cos 30 जे कैप। समझ में आ गया होगा, ये अगर समझ में आ गया तो देख लो एक बार, ये समझ में आया कि नहीं। पहले अपन एक ही बात करते हैं, तो ए के अंदर क्या है, को एग्जिस्ट कर रहा है आई के साथ, को एग्जिस्ट किस साथ कर रहा है आई के साथ। ये एंगल कितना है आई के साथ, कितना बना रहा है 30 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है 30 डिग्री, तो कॉस लगाएंगे। अगर अगर कॉस में लिखनी है पूरी इक्वेशन को, तो कॉस के साथ क्या लगाएंगे 30 डिग्री। और ये ही ये जो ए वेक्टर है, ये एंगल कितना बनाएगा टोटल 60 डिग्री जे कैप के साथ वाई के साथ, तो कॉस में लिख देंगे 60 को। इसकी बात करते हैं बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर जो है वो कितना बनाएगा आई कैप मतलब एक्स के साथ कितना बनाएगा, एक्स के साथ बना रहे 60 डिग्री, तो कॉस में लगा दिया 60। और ये वाई में कितना बना रहे 30, तो वाई जी में लगा दिया 30, तो ये बन गया। अब आई को मान लो एप्पल्स और जे को मान लो ऑरेंजेस, तो अगर तुम्हारे पास 5 apples + 2 oranges और 2 apples + 4 oranges इसको ऐड करना है, तो कैसे करोगे, 7 apples + 6 oranges ऐसे करोगे। सिंपल है, एप्पल को एप्पल के साथ, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ। तो इसीलिए इसका जो एडिशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस आई कैप एंड दिस प्लस दिस जे कैप, इन दोनों का आई कैप, इन दोनों का जे कैप। तो यही बोल रहा है कि कोई वेक्टर है जिसको मैंने ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिखा, किसी को मैंने लिखा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई बी जेड सी एक्स, तो इनका एडिशन क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आई वाले सब एक साथ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स आई कैप वाई वाले एक साथ जेड वाले एक साथ आ जाएगा। और अगर केवल एक्स वाई प्लेन में होंगे तो जेड वाला कंपोनेंट के वाला हट जाएगा, ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट। जैसे अब इसमें क्या होगा, मैं समझा देता हूँ वापस से, कि जैसे ये तीन वेक्टर्स ले रहा है, तीन वेक्टर्स कौन कौन से ले रहा है, ए वेक्टर को ले रहा है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, बी वेक्टर को ले रहा है सी वेक्टर को ले रहा है, बी वेक्टर कितना है बी एक्स सी एक्स आई कैप प्लस प्लस बी वाई सी वाई ए वाई होगा यहाँ पे बी वाई सी वाई जे कैप जे कैप। इसने बोला कि अभी टूट की बात कर लेते हैं केवल, इनको ऐड करना तो क्या आ गया, आई कैप के साथ तो आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस जे कैप के साथ क्या आएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई इंटू जे कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप के अंदर, मतलब आई कैप के अंदर कौन सा वैक्टर है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स मैग्नीट्यूड है, और वाई के अंदर कितना है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं पे, क्योंकि इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख देंगे अपन, तो ये पता है मेरे को ये वाला इसके बराबर है, तो दोनों 90 डिग्री पे हैं,
दोनों का एडिशन क्या आएगा, इसका स्क्वायर का अंडर रूट प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस इस वाले का स्क्वायर। ये चीज क्या है, ये वाली चीज है, ये वाली क्या, ये वाली चीज है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही लिखा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। और एंगल कितना बनाएगा, अगर इस एंगल को अल्फा बोलेंगे तो टेन ऑफ अल्फा कितना होगा, ये वाली चीज अपॉन ये वाली चीज, मतलब वाई वाले का एडिशन अपॉन एक्स वाले का एडिशन, वाई वालों का एडिशन अपॉन एक्स वाले का एडिशन। अब इसका एग्जाम्पल नहीं दिया आई वाई सी वर्मा में, ये दिक्कत है, अब एग्जाम्पल अपन आगे कर लेंगे जब अपन एक्सरसाइज करेंगे, अभी के लिए याद रख लो ये चीज, एग्जाम्पल अपन आगे कर लेंगे। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दो एग्जाम्पल तुमको बता देता हूँ, ठीक है, तो मैं एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ तुमको, तो वापस से देख लेते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर है जो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है 5, और दूसरा वेक्टर है जो 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 5 है। सिंपल रखते हैं चीजों को, इस वेक्टर को ए बोल दो, इस वेक्टर को बी बोल दो, तो ए प्लस बी का एडिशन बताना है मुझको करके, उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा अब इसमें दिक्कत क्या होगी, देखो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो 53 माइनस 37 है, उसका कॉस निकालने में दिक्कत होगी, इसलिए कभी कभी ऐसा नहीं क्या होती है, अपन इसको आई कैप और जे कैप में कन्वर्ट कर दें। तो ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये आई कैप है और ये जे कैप है। तो पहले अपन इसको रिजोल्व करते हैं, रिजोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे रिजोल्व करेंगे, तो ये कॉस है, कॉस 37, 5 कॉस 37 कितना होगा, कॉस 37 का 5 कितना होता है, कॉस का मतलब मैं वापस बता देता हूँ, देखो ये एंगल बनाओ 37 डिग्री बनाओ, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, cos 37 लिख लो, cos 37 को एग्जिस्ट कर रहा है, को एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये चीज को एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 4/5। ऐसे ही यहाँ पे sin 37 लिख लो, बस एक चीज याद करनी है तुमको, एक चीज निकाल लो कुछ भी और फिर सारी चीज आ जाएंगी। देखो तो cos 37 अगर 4/5 है तो sin 37 3/5 होगा, cos 37 अगर 4/5 है तो cos ऑफ 53, cos ऑफ 53 ये नहीं होगा मतलब 3/5 होगा, sin ऑफ 53 ये नहीं होगा मतलब कि 4/5 होगा। तो इसमें से कोई सी भी चीज याद रख लो, sin याद रख लो, sin 37 याद रख लो 3/5, बस sin 37 याद रख लो 3/5, sin 37 याद रख लो 3/5, इसको ऐसे याद रख लो, sin 37 को 3/5 ऐसे रख लो, sin को ऐसे लिख लो, ट्रायंगल भी नहीं बनाना पड़ेगा अगली बार, sin को ऐसे SIN लिखते हैं ना, तो sin 37 में s मतलब 5 आएगा और 3 मतलब कि 3 आएगा, याद रहेगा sin 37 = 3/5। तो sin 37 3/5 है अगर, तो cos 37 कितना हो गया, sin 37 नहीं हो सकता मतलब 4/5 होगा, और sin 53 कर रहे हैं वापस 37 से 53 कर रहे हैं मतलब 4/5 होगा, और दोनों चीज चेंज कर दी मतलब sin को cos कर दिया और 3 को 5 कर दिया तो 3/5 आ जाएगा, cos 53 कितना आ जाएगा 3/5। यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये 3 है 5 है, इससे कंफ्यूज मत होना, sin 37 याद रख लो, sin मतलब 5 और 3, तो sin sin सबसे पहले अपन sin पढ़ते हैं बाद में cos पढ़ते हैं, और सबसे छोटा एंगल 37, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब साइन सबसे पहले पढ़ा था अपने 37 को, तो साइन 37 कितना 3/5। अब मुझे फटाफट से वैल्यूज बताओ, देखो इसका क्या लिखेंगे अपन, ए वेक्टर को क्या लिख देंगे अपन, ए वेक्टर को अपन लिख देंगे, ए वेक्टर क्या होगा देखो फटाफट से लिखते हैं, 5 cos 37 i कैप प्लस 5 cos 53 j कैप। बताओ cos 37 कितना होता है, sin 37 होता है 3/5 मतलब cos 37 4/5 होगा मतलब 5 * 4/5 i कैप, प्लस cos 53 कितना होता है, sin 37 3/5 होता है मतलब sin 53 4/5 होगा मतलब cos 53 वापस से 3/5 हो जाएगा, तो 5 * 3/5 i j कैप मतलब ये कितना बन गया 4 i कैप प्लस 3 j कैप। तो यहां पे लिख दिया अपन ने, दिस वेक्टर इज इक्वल टू 4 i कैप प्लस 3 j कैप, ठीक है ना। और भी तरीके बताऊंगा याद रखने के, देखो इसका मतलब भी समझो कि 4 i कैप है मतलब इस तरफ 4 है और इस तरफ 3 है, तुम देख भी सकते हो क्योंकि एंगल 37 है मतलब नीचे की तरफ है 45 डिग्री से बीच में, तो बीच में से थोड़ा नीचे है, अगर एंगल 37 है मतलब थोड़ा सा नीचे है, मतलब नीचे है मतलब स्लैंट ज्यादा है और ऊपर की तरफ कम है, मतलब ये चीज 4 आ रही है ये चीज 3 आ रही है, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो, याद करने के बहुत तरीके होंगे। ये कितना बन जाएगा बी वेक्टर, बी वेक्टर बन जाएगा, बी वेक्टर बन जाएगा, बी वेक्टर बन जाएगा 5 cos 53 * i कैप प्लस 5 cos 37 इंटू जे कैप। अच्छा कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं, सॉरी 53, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं कि सर इसको हम ये भी लिखते हैं कभी कभी, 5 cos 53 i कैप प्लस 5 sin 53 j कैप। तो कंफ्यूज मत होना, अगर एक जगह cos लिखा है 53 के साथ तो दूसरे जगह sin लिखोगे 53 के साथ, बट अगर सॉरी यहाँ पे 37 आएगा, अगर cos cos लिख रहे हो तो एक जगह 53 लिखोगे दूसरे का एंगल चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे आए और ये कैसे है ये तरीका बता देता हूँ मैं, देखो अगर ये 53 है
तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, 5 cos 53, 5 cos 53 दोनों जगह 5 cos 53 आ रहा है। लेकिन वाई कंपोनेंट निकालने में तुम दो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, या तो ये एंगल निकाल लो 37 डिग्री, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके साथ कोएग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि 5 cos 37, तो 5 cos 37 मैंने इस तरह से लिखा। या ऐसा कर लो कि ये जो y कंपोनेंट है ये इस y कंपोनेंट के बराबर होगा, और इस ट्रायंगल की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, साइन है, किसका साइन है, 53 का साइन है। ये जो लाइन है किसकी साइन है, 53 की साइन है। 53 क्या है, दूर है, 53 से पाप करा है उसने, तो इसको 5 sin 53 भी लिख सकते हैं। दोनों चीज सेम ही होती है, क्योंकि cos ऑफ एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 37 90 माइनस 53 होता है। तो दोनों चीज सेम होती, कैसे भी कर सकते हो। बाद में अपन सीखेंगे, अपन ये वाला तरीका नहीं अप्लाई करेंगे, अपन कॉस और साइन वाला अप्लाई करेंगे, बिकॉज एक ट्राइंगल को अपन रिजोल्व करेंगे हमेशा कॉस में और साइन में। बाद में कर लेंगे अपन एग्जांपल्स के अंदर, चिंता मत करो अभी के लिए, अभी के लिए कोई सा भी तरीका याद करके कर लो। अभी क्या बन गया, 5 cos 53। वापस चालू करते हैं, साइन 37 कितना होता है, 3/5। साइन 37 कितना होता है, 3/5, याद है साइन 37 कितना होता है, साइन की वजह से 5 और 37 की वजह से 3। साइन 37 कितना, 3/5, साइन 37 3/5 है, मतलब कॉस 37 कितना होगा, 4/5, मतलब cos 53 कितना हो जाएगा, वापस से 3/5 i कैप प्लस sin 53, sin 37 3/5 होता है, मतलब sin 53 कितना होगा, 4/5 i j कैप, तो कितना बन गया, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। इसका मतलब समझाता हूं, 3 i कैप मतलब इस तरफ 3 है और इस तरफ 4 है, सिंपल है। एक ट्रायंगल बनाओ, ये 5 है, ये 53 है, 53 है मतलब मुंह चौड़ा है, 45 डिग्री से चौड़ा मुंह है, चौड़ा मुंह है मतलब इसके अपोजिट जो साइड आएगी बड़ी आएगी, मतलब 4 आएगी। ये 37 तो इसके अपोजिट साइड आएगी 3 आएगी। देखो तो कितने तरीके हैं याद करने के, किसी भी तरह से याद कर सकते हो। तो ये बन गया 3i कैप प्लस 4j कैप, तो b वेक्टर को मैंने लिख दिया 3i कैप प्लस 4j कैप। समझ में आ रही है बात, देखो ये a वेक्टर है। अब अगर मेरे को a और b को ऐड करना है तो क्या करना है, i वाले एक साथ, तो a प्लस b वेक्टर क्या बन जाएगा, a प्लस b वेक्टर बन जाएगा, a वेक्टर कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप, प्लस b वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप, तो क्या बन गया, ये भी 7i कैप प्लस ये भी 7j कैप। यहां तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक वेक्टर जो इस तरह से भी 7 हो, इस तरह से भी 7 हो, तो उसका रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, ये 7 और ये भी 7, ये 7 और ये भी 7, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7√2, और ये एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों आएगा, बिकॉज ये भी 7 है, ये भी 7 है, टेन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया, 1, मतलब 45 डिग्री। मतलब मैं क्या बोलूंगा, द रिजल्टेंट इज 7√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मैं क्या बोलूंगा, द रिजल्टेंट इज 7√2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। या तो ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो कि 7i कैप प्लस 7j कैप, सिंपल है, 7i कैप प्लस 7। तो सिंपल सा बात है, एक वेक्टर ये लिया था, देखो एक वेक्टर ये लिया था, इसको अगर तुम वैसे करते अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ जो भी एंगल है दोनों के बीच में, तो भी तुम निकाल सकते थे आंसर। बट द पॉइंट इज कि 37 और 53, मतलब अगर ये वेक्टर मैं ऐसा बनाता, ए वेक्टर तो ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, ये टोटल एंगल 53 37 है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 53 माइनस 37, 53 माइनस 37 इज व्हाट, 14 डिग्री। तो 14 डिग्री का कॉस अपन को पता नहीं है, तो वहां पे एक दिक्कत होती, तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, अपन आई कैप जे कैप के साथ करते हैं, तो प्रॉब्लम्स आसान ही हो जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये फंडा था रिजोल्यूशन का पूरा का पूरा। मैं एक और तरीका बता, एक और चीज बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी आपको। जब मैंने आपको बताया था कि दो फोर्सेस अगर अपन लेंगे, तो मैंने बताया था ना उसको याद नहीं करना अपन को, दो वेक्टर्स को अगर अपन सेम एंगल पे लेंगे, जैसे मान लो दो सेम वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और ये भी वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 10 है मान लो, और इसका इसका मैग्नीट्यूड ए मान लो कैपिटल है, इसका मैग्नीट्यूड भी ए मान लो, बट ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, जो अपन ने वहां पे सवाल किया था याद है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab इनटू कॉस ऑफ थीटा। इसको ऐड करने का तरीका बताता हूं मैं, देखो इसको ऐड करने का तरीका क्या होगा, देखो इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, समझ रहे हो, तो ये एंगल कितना होगा थीटा बाय 2 और ये एंगल भी कितना होगा थीटा बाय 2। ठीक है, अब पहले इस वेक्टर को देख लेते हैं, तो इस वेक्टर का क्योंकि ये थीटा बाय 2 है साथ में आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो इस तरफ रिजल्टेंट होगा, या फिर इसको अलग से बना लेते हैं, ए वेक्टर को ये a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड a है, ये एंगल थीटा बाय 2 है, तो ये कितना बन जाएगा a cos थीटा बाय 2 और ये कितना बन जाएगा a sin ऑफ थीटा बाय 2। ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, क्योंकि इस तरफ अगर जा रहा है मतलब इस तरफ जा रहा होगा प्लस इस तरफ जा रहा होगा, ये बात समझ में आ गई। ऐसे इस वेक्टर को अलग से बना लेते हैं, जो b वेक्टर इसको बना लेते हैं, ये b वेक्टर है, ये थीटा बाय 2
तो अगर मैं यहां पे बनाता हूं तो ये कॉस कोएग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, बी इंटू मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड तो ए ही है ना, तो ए इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय टू ऊपर की तरफ, और इस तरफ क्या बन जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा बाय टू। भाई दूर है ना, इस एंगल से दूर है ये, इस एंगल के साथ है ये, इस एंगल से दूर है, तो साइन बन गया इस तरफ, साइन बन गया। अब मैं अगर दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास चार वैक्टर है एक्चुअली, एक ये और एक ये। अगर मैं ए प्लस बी को ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं ए प्लस बी को ऐड नहीं कर रहा, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए साइन थीटा बाय टू उस तरफ और ए साइन थीटा बाय टू इस तरफ, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और ए कॉस थीटा बाय टू ऊपर और ए कॉस थीटा बाय टू ऐड हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, ऊपर की तरफ 2a cos θ/2। ये इंपॉर्टेंट है, काम आ जाता है, और इसको है ना अब अपन उससे याद नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos θ, इसलिए रिजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इस फिगर में अगर मैं बनाता तो मैं कैसे बनाता, थीटा बाय टू है, ये एक परपेंडिकुलर बनाओ, ये एक बनाओ, ये एंगल ये कितना हो जाएगा, इसकी वजह से ए साइन थीटा बाय टू ऊपर कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा बाय टू, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, ये ए है तो ये इस तरफ कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा बाय टू ऊपर कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा बाय टू। तो ये दो वेक्टर्स हैं, ए साइन थीटा बाय टू, ए साइन थीटा बाय टू इस तरफ तो कैंसिल हो जाएंगे, ओ थ्री सॉरी, और ये ऊपर ए कॉस थीटा बाय टू, ए कॉस थीटा बाय टू ऊपर की तरफ ऐड हो जाएंगे, इसमें इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ना तो इस तरफ ना इस तरफ, मैंने बताया था दो फोर्स हैं जो ऐसे जा रहे हैं, तो ना तो इस तरफ ना इस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैं बोलना सर इलेक्ट्रोस्टैटिक करो, कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेक्टर्स पढ़ लिया ना भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, एक फॉर्मूला है बस, उसके बाद तो वेक्टर्स ही पूरा। जैसे मान लो ये चार्ज है, तीन चार्ज है, ये 60 डिग्री का ट्राइंगल है, 60 डिग्री का ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, क्यू है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट क्यू है, ठीक है ना। अब हम बोल देते हैं इन दोनों क्यू के बीच में फोर्स एफ है, मतलब इस तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ और इस तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ, उस फोर्स की वैल्यू आप बाद में पढ़ोगे, के क्यू क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगी, ये वैल्यू एफ है, ये कितना एल है, ये लेंथ, समझ रहे हो, ये बाद में पढ़ना, इसकी टेंशन मत लो, इसकी टेंशन मत लो, इसकी टेंशन लो कि ये क्यू इसको धक्का मार रहा है एफ इस तरफ, ये क्यू इसको धक्का मार रहा है एफ इस तरफ, मुझे बताना इस पे नेट धक्का किस तरफ आएगा, ये तो अपन को पता पड़ेगा इस तरफ आएगा, बट उस धक्के की वैल्यू कितनी होगी, उस धक्के की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। अब अपन को पता है कि ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, इसलिए ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसका ये वाला कंपोनेंट और इसका ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो अपन को निकालना भी नहीं है, अपन को क्या करना है, अपन को एफ का कॉस 30 ले लो, इस एफ का कॉस 30 ले लो, तो कितने बनेंगे, दो बार बनेंगे, कितना बन जाएगा आंसर, 2f cos θ/30, मतलब कितना बन गया, √3f, मतलब देखो प्रॉब्लम कितना आसान हो गया, अगर तीन चार्जेस हैं, इस चार्ज पे फोर्स कितना आ रहा है ऊपर की तरफ, इस चार्ज पे फोर्स आ रहा है √3 × k³² / L² √3 k³² / L² फोर्स आ गया इसके ऊपर, ये टेंशन मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है अपन पढ़ लेंगे बाद में, बट ये फॉर्मूला है एफ, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एफ आ गया, अपने पास आंसर √3f आ गया। तो दिस इज हाउ वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसका आंसर 2f नहीं होगा कि इस पे ये चार्ज एफ फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज एफ फोर्स लगा रहा है, नहीं, फोर्स स्केलर की तरह ऐड ही नहीं होते हैं, फोर्स किस तरह ऐड होते हैं, वेक्टर्स की तरह ऐड होते हैं। वापस बताता हूँ कितना आसान हो गया, देखो सेम इक्वल फोर्सेस थे, इक्वल फोर्सेस से तो रिजल्टेंट उसके बीच में आएगा ऊपर की तरफ, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं निकालने की, बिकॉज कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एफ कॉस 30, ये कितना हो जाएगा एफ कॉस 30, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर को अपन एंड कर देते हैं यहाँ से, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा तो सकता हूँ मैं, यहाँ पर एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन, डॉट प्रोडक्ट। तो अभी तक हमने क्या करा, देखो वेक्टर्स के अंदर हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, और एडिशन का ही दूसरा पार्ट रिजोल्यूशन कर लिया, तो ये तीन चीजें हमने कर ली। अब नेक्स्ट क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आएगा, डिविजन आएगा, वेक्टर्स में डिवीजन डिफाइन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है, दो तरह से डिफाइन होता है मल्टीप्लिकेशन, जो वेक्टर में होता है दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक होता है डॉट वाला, एक होता है क्रॉस वाला,
इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये क्या चीज है ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगी, बट द पॉइंट इज कि इसका अपन सिग्निफिकेंस करते हैं टफ प्रॉब्लम्स को इजी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करने के लिए। कभी कभी मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई ऑफ द वेक्टर को कोई वैसे सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी पर्टिकुलर तरीके से तो ये जो थ्योरी बना रहे हैं ना अपन, इसका कोई वैसा नहीं है कि मेरे को इसकी पहले जरूरत थी। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की मुझे जरूरत थी, कैसे जरूरत थी, मुझे मान लो ये निकालना था कि एक ट्यूब के अंदर एक जुगनू जा रहा है, तो जुगनू ऐसे जा रहा है, ट्यूब ऐसे जा रही है, तो मुझे निकालना है जुगनू का नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, कहाँ से कहाँ पहुंचा, तो उसकी जरूरत थी। बट इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ी थी एक्चुअली, मैं पहले मैंने कुछ वर्क पढ़ा था, टॉर्क पढ़ा था, कुछ चीजें मैंने डिफाइन की थी नहीं, उसकी वजह से मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी। तो मैंने एक थ्योरी बना दी पूरी की पूरी, मतलब मैंने नहीं बनाई, मतलब फिजिक्स वालों को एक थ्योरी बना दी पूरी की पूरी। तो अपन पहले कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट अपन कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसको अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मैं बता देता हूँ। सिंपल सा फंडा होता है, अगर दो वेक्टर से ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका ए डॉट बी डेफिनेशन है ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ए क्या होता है, ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे मान लो दो वेक्टर से एक फोर है, फोर यूनिट्स का है ए वेक्टर, एक बी वेक्टर है जो मान लो 10 यूनिट्स का है, और दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ए डॉट बी कितना बन जाएगा, ए डॉट बी बन जाएगा 4 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 60। पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 का मतलब कितना हो गया हाफ, तो 4 इंटू 10 इंटू हाफ मतलब कितना बन गया 20 यूनिट्स, मतलब 20 यूनिट्स इसका आंसर आ गया। और इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज आंसर अपने स्केलर क्वांटिटी आया, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं आया है, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये चीज़ है ना एस सी वर्मा की बुक में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में, आगे अब ये बताएंगे थोड़ा सा, इस पर अपन एग्जांपल भी कर लेंगे। और तो यही बताए ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा को, ठीक है ये भी बता दिया, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो एज कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू जीरो, कॉस ऑफ 90 इज इक्वल टू जीरो, cos of 90 is equal to 0. cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना, दो perpendicular vectors का जो dot होगा वो कितना हो जाएगा 0। ये भी बता दिया कि a dot b b dot a के बराबर होता है, a dot b plus c को लिख देंगे a dot b plus a dot c, जो अपन पढ़ते ही हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो, अब वर्क अपन को पूछ लिया सीधा, जैसे दो, जैसे मैं समझा देता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन को छोड़ो, एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, छोड़ो जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है 60 डिग्री पे, फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, तो ब्लॉक रखा हुआ था जमीन पे, जैसे तुम रस्से से खींच के किसी को आगे लेके जा रहे हो और ये आगे चला गया, कितना आगे चला गया, ये मान लो 5 मीटर आगे चला गया। तो अगर मुझसे पूछे कि व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, तुमने पढ़ा होगा वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डेफिनेशन जो तुमने 10th क्लास में पढ़ी थी आधी ही है ये, क्योंकि फोर्स इनटू एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, वर्क इज इक्वल टू, ये नहीं होती फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी इस वेक्टर को भी हटा दो, इस वेक्टर को अपन बाद में कर लेंगे, इस वेक्टर को, इस डेफिनेशन को हटा दो अभी के लिए। अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से अपन करते हैं का वर्क क्या होता है, वर्क होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, वहां तक ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किस डायरेक्शन का, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है वो समझो, जैसे मान लो ये फोर्स एफ लग रहा है, ये थीटा एंगल पे लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स का वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेस करने में काम आ रहा है, इस फोर्स को अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को भूल जाऊँ, एक बार डिस्प्लेसमेंट को अलग से लिख देते हैं एस, ये फोर्स क्या है एफ कॉस थीटा और ये क्या है एफ साइन थीटा, मुझे बताओ कि जो डिस्प्लेस करवा रहा है उसको हॉरिजॉन्टल में, वो फोर्स कौन सा है, एफ साइन थीटा है क्या, नहीं है ना, कौन सा फोर्स है वो,
वो फोर्स एफ कॉस थीटा है कि नहीं? एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेस करवा रहा है उसको, एफ साइन थीटा तो ऊपर उठाना चाहता है बट ग्रेविटी है तो नीचे ऊपर उठा नहीं पा रहा, ज्यादा लगाएंगे तो ऊपर उठा भी लेगा वो एक अलग बात है, बट अभी अपन क्या ले रहे हैं एफ, ऐसे लगाया अपन आगे खींच के लेके जा रहे हैं किसी को, तो एफ कॉस थीटा ही तो वो फोर्स है। देखो डिस्प्लेसमेंट को एस लिख दिया अपन ने, व्हाट इज द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस थीटा। तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है, एस इंटू एफ कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो वेक्टर्स आ गए मेरे पास, एस आ गया एफ आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट बन गया ना अपना, तो देखो एफ डॉट एस बन गया ये, यहाँ एस डॉट एफ लिख दो इसको, एफ डॉट एस बन गया ये। इसलिए अपन ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट कि वर्क डन को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एस लिख सकते हैं, एफ क्रॉस नहीं लिख सकते, क्रॉस अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 × 5 × cos of 60 डिग्री, तो मतलब 10 × 5 × cos of 60 तो हाफ मतलब 25 जूल्स इसका वर्क डन हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 10 को तुम रिजॉल्व करते दो कंपोनेंट्स में, इस तरफ बनता 10 cos 60, इस तरफ बनता 10 sin 60, 10 sin 60 तो अलॉन्ग एक्स एस नहीं है तो इसके अलॉन्ग कुछ वर्क नहीं आएगा, वर्क किसके अलॉन्ग आएगा, इसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो 10 cos 60 × 5 वही अपन ने कराया है, वही अपन ने कराया है। तो अपना ये कंसेप्ट होता है वर्क डन का। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, द वर्क डन बाय फोर्स एफ ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट आर इज गिवन बाय एफ डॉट आर। ये अपन पढ़ चुके क्यों होता है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट अगर एस होगा तो एफ डॉट एस लिख देंगे, ये समझा दिया मैंने क्यों होता है, इसको अपन वर्क एनर्जी पावर में अच्छे से समझ लेंगे। अभी के लिए बस इतना समझाना था मुझे कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या होता है। सपोज ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल नीचे जा रहा है। अब पहले तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोर्स अगर ऊपर एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल नीचे कैसे जा रहा है, फोर्स अगर ऊपर एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल नीचे कैसे जा रहा है सर, ये क्या है मतलब बताओ तो सही हमको। ये बॉटल है, मेरा हाथ इस पे ऊपर ही फोर्स लगा सकता है, लेकिन अगर फोर्स में इसका मान लो बहुत ज्यादा भारी है, 10 किलो का मैंने कोई ऑब्जेक्ट उठा लिया और मैं उठा नहीं पा रहा, तो मैं धीरे धीरे नीचे ले जाऊंगा ना उसको, मैं नीचे फोर्स नहीं लगा रहा, मैं तो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो? जैसे मान लो जैसे एक ब्लॉक है उसको रस्सी से बांधा हुआ है, बांधा हुआ है ठीक है, लेकिन मान लो यहाँ पे रस्सी लूज हो रही है धीरे धीरे, पुल्ली से बंधी हुई थी और रस्सी लूज हो रही है धीरे धीरे, रस्सी ऐसे यहाँ से यहाँ आ रही है, तो पूरा का पूरा ब्लॉक सिस्टम नीचे जा रहा है ना, लेकिन रस्सी तो ऊपर ही फोर्स, रस्सी नीचे थोड़ी, रस्सी धक्का थोड़ी मार देगी, रस्सी हमेशा खींचती है ना, तो रस्सी जो ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है ऊपर है लेकिन ब्लॉक नीचे, जैसे मान लो एक पुल्ली ले लेते हैं अपन, बना ही लेते हैं पूरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो यार ये पुल्ली है, ये ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है एक ब्लॉक ये है, ये 10 किलो का ये 5 किलो का है, तो 10 किलो वाला नीचे आएगा 5 किलो वाला ऊपर जाएगा, ये तो समझ में आती है ना बात, लेकिन इस रस्सी की अगर अपन बात करें तो ये रस्सी क्या ब्लॉक पे नीचे धक्का मार रही है क्या, ये रस्सी तो ब्लॉक को ऊपर ही खींचने की कोशिश कर रही है ना, वो बात अलग है कि रस्सी में इतना दम नहीं है, ग्रेविटी ज्यादा नीचे लग रही है, तो इसका मोशन क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है दोनों फोर्सेस को मिला के, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि एक फोर्स ऊपर लग रहा है और मोशन नीचे हो रहा हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक ब्लॉक है 2 किलो का, जैसे तुम में और तुम्हारे छोटे भाई बहन में लड़ाई हो गई और कोई तो बक्सा है अपने फोटोग्राफ्स वगैरह का, खिलौनों का, 5 किलो का मान लो बक्सा, अब तुम बड़े हो तो तुम यहाँ से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तुम बड़े हो, बड़े भाई हो, ऐसे मोटे से बड़े भाई ये लोग पटाक पटाक बूम बूम, वो तुम्हारा छोटा भाई है वो बच्चा सा एकदम पैं पों पैं पों पैं, वो फोर्स लगा पा रहा है मान लो 20 न्यूटन का, और मान लो तुमने इसको धक्का मार के 2 मीटर आगे पहुंचा दिया, तो इसके साथ तो बुरा ही हुआ है ना, ये तो फोर्स इस तरफ लग रहा था लेकिन ब्लॉक आगे डिस्प्लेस हो गया कि नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि फोर्स, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें बोला हुआ है कि फोर्स ऊपर लग रहा है लेकिन ब्लॉक नीचे गया, तो ऐसा हो सकता है बिकॉज ब्लॉक का मूवमेंट एक फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, सारे फोर्स पर डिपेंड करता है, इसमें सारे फोर्सेस कौन कौन से, ये आगे ये पीछे, सारे फोर्स मिला के कितने हो गए आगे की तरफ 80, तो मूवमेंट सारे फोर्सेस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक फोर्स इस तरफ लग रहा है मूवमेंट इस तरफ हो रही है, ऐसा हो सकता है ठीक है ना। तो अब ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज रहते हैं सर ठीक है, तो एक पार्टिकल है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 12 न्यूटन का और पार्टिकल नीचे जा रहा है 2 मीटर से,
तो बोला फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट. तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? वर्क डन बाय द फोर्स होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा. व्हाट इज थीटा? डेटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज? 180 डिग्रीज. व्हाट इज द आंसर? 12 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 180. कॉस ऑफ 180 इज माइनस 1. तो कितना हो गया अपने पास? माइनस ऑफ 24. वाई कॉस ऑफ 180 इज माइनस 1? बिकॉज कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस 180. कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा. कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा बता चुका मैं तुमको पिछले लेक्चर में. तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0. व्हाट इज कॉस ऑफ 0? 1. तो बन जाएगा माइनस ऑफ 1. तो माइनस ऑफ 24 अपने पास आंसर आ गया. माइनस ऑफ 24 जूल्स अपने पास आंसर आ गया. अब इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा देता हूं. हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज वर्क? वर्क इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 2 है, फोर्स ऊपर की तरफ 12 है. तो क्या मैं ऊपर के 12 को नीचे की तरफ माइनस 12 नहीं लिख सकता? ऊपर की तरफ माइनस 12 मतलब नीचे की तरफ माइनस 12. ऊपर की तरफ 12 मतलब नीचे की तरफ माइनस 12. तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो 2 इंटू माइनस 12 कितना होगा? माइनस 24. ऐसे भी तुम याद रख सकते हो इसको. ठीक है, आगे चलते हैं. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अब देखो ये क्या बोल रहा है. दो वेक्टर लेंगे अपन, के कैप तक नहीं जाएंगे. मैं एक्स और वाई में बता दूंगा करके, बहुत बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं केवल एक्स और वाई में बता दूंगा. 2D का जैसा रिजल्ट होगा वैसे ही 3D में भी हो जाएगा. तो जैसे मान लो मैंने ए वेक्टर लिया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और मैंने बी वेक्टर लिया, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और मुझे इसका डॉट निकालना है, ए डॉट बी निकालना है. तो मैं कैसे निकालूंगा? डॉट कर दो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का डॉट विद बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. अब जैसे अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होगा. इसका इसके साथ कितना हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट जे आई कैप, है ना. ए एक्स बी एक्स तो आ गया साथ में, और आई कैप डॉट आई कैप बन जाएगा, है ना. या फिर ऐसे लिख लो ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस, फिर इसका इसके साथ करते हैं तो क्या बन जाएगा? ए एक्स आई कैप डॉट बी वाई जे कैप प्लस, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप. ये अपने पास टोटल आएगा. ठीक है, अब इसमें ये तो बच्चे है ना, ये तो 4 और 5 है, इसका तो मल्टीप्लीकेशन ए एक्स इंटू बी एक्स हो जाएगा. अपन को आई डॉट आई और देखना है, आई डॉट आई कितना होगा, फिर अपन को आई डॉट जे देखना है, फिर अपन को जे डॉट आई देखना है, फिर अपन को जे डॉट जे और देखना है. तो अगर मैंने आई डॉट आई निकाल लिया, अगर मैंने आई डॉट जे निकाल लिया, अगर मैंने जे डॉट आई निकाल लिया, जे डॉट जे निकाल लिया, तो मैं आगे भी इसको सॉल्व कर दूंगा. अब आई डॉट आई कितना होगा? तो आई क्या है? आई इस तरफ होता है, उसका डॉट में इस तरफ वाले आई. आई डॉट आई क्या होगा? तो मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे. आई डॉट आई क्या होगा? देखो आई डॉट आई विल बी इक्वल टू 1 × 1 × cos ऑफ 0, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, का मैग्नीट्यूड 1 होता है, दोनों के बीच में अगर cos ऑफ 0 होता है तो कितना बन जाएगा? cos ऑफ 0 1 होता है तो 1 बन जाएगा. ऐसे j डॉट j क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा 1. 1 × 1 × cos ऑफ 0 इक्वल टू 1. i डॉट j कितना बन जाएगा? 1 × 1 × cos ऑफ 90, जो कि इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिकॉज i और j के बीच में अगर कितना होगा? 90 डिग्री, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर है. ऐसे j डॉट i भी कितना बन जाएगा? j डॉट i भी बन जाएगा 0. तो ये कितना बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा ax bx प्लस ये वाला कितना बन जाएगा? 0. आई डॉट जे 0 प्लस ये वाला कितना बन जाएगा? जे डॉट आई 0 प्लस ये कितना बन जाएगा? ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई. तो इसका आंसर कितना आ गया? सिंपली इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया अपना ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई. किसका आंसर आ गया अपने पास? ए डॉट बी का. मतलब अगर मेरे को ए डॉट बी करना है, मतलब अगर मेरे को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप का डॉट करना है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप के साथ, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई मेरे पास आंसर आ जाएगा. ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस बी वाई इंटू ए वाई इंटू बी वाई. मतलब सिंपल सा है, अगर मेरे को जैसे मेरे पास है ए वैक्टर, जैसे मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वैक्टर है मान लो 10i कैप प्लस 5j कैप, और मेरे को ए डॉट बी निकालना है. ए डॉट बी कितना बन जाएगा? 3 का 10 के साथ कितना हो गया? 30 प्लस 4 का 5 के साथ कितना हो गया? 20. 30 और 20 कितना हो गया?
50। आया बच्चा, कुछ समझ में ये दिख नहीं रहा होगा ना तुमको, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ अभी सही है, अभी और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, है ना, ठीक है। चले बच्चों आगे, तो ये सीधी सी बात है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये सीधी सी अपनी बात है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात इन्होंने बोली थी, आगे चलते हैं, पेज डाउन कर देते हैं इसको। देखो यही लिखा हुआ है कि जब भी आई डॉट जे होगा, मतलब साथ वाले नहीं होंगे, आई डॉट के होगा, तो जीरो आएगा, बिकॉज आई जे जे आई, आई के आई, जे जे, सब परपेंडिकुलर होते हैं दूसरे के, है ना। और आई डॉट आई बन हो जाता है, जे डॉट जे बन हो जाता है, तो ए डॉट भी क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अभी क्रॉस प्रोडक्ट पे आ गए हैं, लेकिन मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको, एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसका मतलब समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे मान लो फोर्स था अपने पास 3i कैप प्लस 4j कैप, और डिस्प्लेसमेंट था अपने पास मान लो 5i कैप प्लस 10j कैप, तो वर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस कर देंगे, एफ डॉट एस कर देंगे, मतलब इसका इसके साथ 15, इसका इसके साथ 40, मतलब 55। अब वर्क आ क्यों रहा है ऐसा ये समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो फोर्स इस तरफ लग रहा था, फोर्स लग रहा था, फोर्स ऐसा था, ये फोर्स है इस तरफ 3 और इस तरफ 4, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ और इस तरफ, इस तरफ 5 और इस तरफ 10। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट को अगर ये माने अपन, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल, ये वाला है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के साथ इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो 15 आ गया वर्क के लिए, और ऊपर जाने के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल, ये वाला है, मतलब इसको 10 वाले को अगर अपन फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करें 40, तो 40 प्लस 15 कितना हो गया, 55, इसलिए वर्क डन हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट का वर्क इस वाले फोर्स ने किया, इस वाले ने नहीं कराया है, और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला फोर्स जिम्मेदार है, ये वाला बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। तो दिस इनटू दिस इक्वल टू 15, दिस इनटू दिस इक्वल टू 40, 40 इनटू 15 इक्वल टू 55, इसका आंसर आ गया, वर्क डन का आंसर अपने पास 55 आ गया। तो ऐसे काम आता है। एक और चीज मैं बताने वाला हूं आपको इसमें कि डॉट प्रोडक्ट को अपन उल्टे काम में भी ले सकते हैं। एक टॉपिक आप लिख सकते हो, फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। एक्चुअली ये फिजिक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथमेटिक्स वालों का काम आएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। तो वापस से अपन वही एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एफ अपन ने ले लिया था मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, या फिर थोड़ा सा और सुंदर ले लेते हैं 5i कैप प्लस 5√3j कैप, और डिस्प्लेसमेंट अपन ले लेते हैं जैसे मान लो 10i कैप ले लेते हैं सिंपल। मेरे को पूछा है कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है मेरे को, तो देखो मेरे को पता है कि एफ डॉट एस कितना होता है, एफ डॉट एस होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो अगर मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ एफ डॉट एस अपॉन एफ एस, मतलब मैं कॉस थीटा को क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा को लिख दूंगा एफ डॉट एस अपॉन एफ एस। ये एफ एस का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। जब भी मैं एफ लिखता हूँ विदाउट फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। एफ डॉट एस कितना हो गया इस केस में, एफ डॉट एस कितना हो जाएगा, आई का आई के साथ होगा, जे का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, प्लस 0j है, तो 5 10 जा 50, 50 हो जाएगा। अपॉन एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, एफ का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5√3 का स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर कितना हो गया 75, 75, 5 का स्क्वायर 25, 75 प्लस 25 100, 100 मतलब 10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो 10 इंटू 10 मतलब कितना आ गया देखो 50, 10 से जाएगा तो हाफ आएगा आंसर अपने पास। कॉस थीटा हाफ कितना होता है, थीटा आता है अपने पास 60 डिग्री, मतलब इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। अभी समझाता हूँ मैं कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट तो अपना एक्स एक्सिस में है, डिस्प्लेसमेंट तो अपना ऐसा है, फोर्स अपना क्या है 5i के प्लस 5√3, तो 5 इस तरफ था और ऊपर की तरफ क्या था 5√3। अगर मैं ये बनाऊंगा एंगल थीटा कितना आएगा मेरे पास, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5√3/5 मतलब कि √3, तो टेन थीटा √3 कब होता है 60 डिग्री पे होता है। तो इस केस में तो अपन को पता था कि दो ये दिख रहा था अपन को, फोर्स ऐसे भी निकाल सकते थे, बट कभी कभी क्वेश्चन क्या आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं खासतौर पर, जब जैसे इसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लेक्स देंगे फिर अपन पूछेंगे कि एंगल कितना आएगा, तो अपन एंगल ऐसे निकालते हैं उस केस में, ठीक है। तो ये था अपना डॉट प्रोडक्ट जो कि अपना वर्क निकालने का काम आता है, और भी जगह काम आता है। नेक्स्ट अपन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद वेक्टर्स अपना खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन चालू करेंगे कैलकुलस, जिसमें पहले डिफरेंशिएशन आएगा फिर इंटीग्रेशन आएगा, तो उसके भी अलग अलग लेक्चर बनाने पड़ेंगे,
और फिर अपन करेंगे एरर्स एंड मेजरमेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये सब थ्योरी के बाद अपन एग्जांपल्स करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव टू और फिर एक्सरसाइज, और फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, बाय, हैव ए हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी होली, हैवी दशहरा, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, सब कुछ हैप्पी, हैप्पी लाइफ, एंजॉय।